अयोध्या जी। जी हाँ, अयोध्या नगरी को सम्मान से बुलाया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु के चक्र पर बसी इसी नगरी को स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने कलमबद्ध किया है। इसके वैभव का गुणगान पूरे जगत में वाल्मीकि की रामायण ने ही फैलाया है, इसलिए अयोध्या जी को महर्षि वाल्मीकि की नगरी कहें तो गलत ना होगा। माटी की विरासत कार्यक्रम के इस सफर में प्रेरणा मीडिया की टीम ने श्री राम जन्मभूमि से अलग अयोध्या जी और इसके रहस्य को खंगाला। त्रेता युग की नगरी अयोध्या जी सप्त तीर्थों में एक है। कहा जाता है कि अयोध्या जी के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पूरे जगत में अयोध्या जी की सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारों युगों से अमर कीर्ति पताका फहरा रही है, जिसे अपने अकल्पनीय बहुमूल्य शब्दों और सुंदर लेखनी से लिपिबद्ध आदि कवि वाल्मीकि ने 7000 वर्ष पहले त्रेता युग में किया था। और अयोध्या जी के वैभव को सबसे पहले पूरे विश्व तक पहुंचाया। रामायण के बालकांड में उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्वीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। अयोध्या नाम नगरी तत्रासि लल्लोक विश्रुता, मनुना मानवेन्द्रण या पुरी निर्मिता स्वयं, आयता दश्चद्वे च योजनानी महापुरी, श्रीमती त्रीणी विस्तृणा सुविभक्त महापथा। जिसका अर्थ है, सरयू नदी के तट पर एक खुशहाल कौशल राज्य है जो धन और धान्य से भरा पूरा है। वहां जगत प्रसिद्ध अयोध्या नगरी है जिसका निर्माण स्वयं मानवोमेंद्र मनु ने किया था, जो 12 योजनों में फैली है। अयोध्या जी में वाल्मीकि मंदिर भी है जहां संपूर्ण रामायण के श्लोक पत्थरों पर तराश कर लगाए गए हैं। यहां महर्षि वाल्मीकि अपने दो शिष्यों लव और कुश के साथ विराजते हैं। अब आप जब भी अयोध्या जी जाएं तो वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाएं। यह स्थान सामाजिक समरसता का सबसे उत्तम स्थान है क्योंकि त्रेता युग में यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी जीवन गाथा महर्षि वाल्मीकि को लेखन में पिरोने का अवसर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के कई प्रसंगों में प्रभु श्री राम के आचरण के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश समाज को देने का प्रयास किया है, जैसे माता शबरी के झूठे बेर प्रभु श्री राम खूब प्रेम से खाते हैं। निषाद राज केवट को अपना मित्र बनाते हैं, सुग्रीव सहित दूसरे वनवासियों को गले लगाते हैं। दैत्य रावण का भाई होने के बाद भी सद्विचारी विभीषण की सहायता करते हैं। सामर्थ्यवान होने के बाद भगवान राम ने अपने किसी साथी को नहीं बल्कि विभीषण को ही लंका का राजपाट सौंपा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं रघुवंश की रक्षा के लिए माता सीता सहित उनके दो पुत्रों का लालन पालन अपने आश्रम में किया और उन्हें शिक्षा भी दी। इसलिए अयोध्या जी का वैभवशाली इतिहास महर्षि वाल्मीकि के बिना अधूरा है, जिन्होंने पतित पावनी सरयू के तट पर अपनी लेखनी में सामाजिक समरसता के उदाहरणों को जोड़कर हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश 7000 वर्ष पहले ही दे दिया था।